आपण सगळेजण बसून घ्या, जे बाहेर असतील लवकर मंडपामध्ये यायचंय सर्वांनी। कृपया विनंती आहे, आपण बसून घ्यायचंय, कोणीही उभं राहणार नाही, कोणीही उभं राहायचं नाहीये, खाली बसून घ्या, सगळ्यांनी बसून घ्या। लाच गाणं सगळ्या कार्यक्रमाच्या नंतर होणार आहे, आता आपण सगळेजण बसून घ्या, शांततेने आपला सर्वांचे विचार ऐकायचे आहेत, सगळेजण बसून घ्या। मेहरबानी करून मागे जेवढे मंडपाच्या बाहेर असतील कृपया आपण बसून घ्यायची व्यवस्था आहे। बोला काँग्रेस पक्षाचा आवाज जोरात आला पाहिजे, संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये आवाज गेला पाहिजे। बोला काँग्रेस पक्षाचा राहुल गांधी जी आप आगे बढ़ो, महाविकास आघाड़ी का जीवो लटावर पंजाबवाला पावर, पंजाब का धन का फूलवाला ना भन का। सभेत उपस्थित सर्व मान्यवरांचं थोडक्यामध्ये या ठिकाणी स्वागताचा समारंभ होणार आहे। मी विनंती करतो की स्वागताचं जे वाचन आहे तुम्ही करा। धन्यवाद नाईक साहेब। यानंतर देशाचे नेते खासदार राहुलजी गांधी साहेब यांचं स्वागत करण्याकरता मी सर्व उमेदवार, त्यामध्ये ऍडव्होकेट के सी पाडवी साहेब, आमदार शिरीष कुमारजी नाईक साहेब, राजेंद्र कुमारजी जागीर साहेब, इंजिनियर किरणजी तनवी साहेब, प्रवीणजी चौरे, खासदार गोवाजी पाडवी साहेब, आमदार कुणालजी पाटील साहेब, डॉक्टर सौ संविधाताई यांना देखील स्वागताचा कार्यक्रम थोडक्यात आटतो। यानंतर खासदार राहुलजी गांधी सोबतच झालेले महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी रमेशजी चेन्नीतल्ला साहेब यांचं स्वागत दिलीपजी नाईक साहेब करत आहेत।
प्रवेशी चिनी थल्ला साहेब महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी यांचं देखील स्वागत सर्व उमेदवार राहुलजी गांधी यांच्यासोबतच प्रवेशी चिनी थल्ला साहेब यांचं देखील स्वागत होत आहे एकदा जोरदार काय बसवा राहुलजी गांधींना भेटत आहेत राहुलजी गांधी त्यांचा सन्मान करत आहेत त्यांचं हस्तांदोलन करून मग त्यांना शुभेच्छा देत आहेत धन्यवाद राहुलजी यानंतर मी नवनिर्वाचित खासदार ॲडव्होकेट गोवालदादा पाडवी यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन करत मनोगत व्यक्त करायचं आहे ॲडव्होकेट गोवालजी पाडवी गोवालदादा तू माझ्या आज आपण लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते आणि संसदेचे सदस्य व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुलजी गांधी च्या नंदनगरी आणि नंदुरबार मध्ये स्वागत करतो राहुलजी ये जो पांचों छह से छह विधानसभा क्षेत्र से जो लोग आए हैं उम्मीदवार आए हैं उनके लोग संख्या जो जनसंख्या आई है वो आपके लिए आपकी बात सुनना चाहती है आपको देखना चाहती है और गांधी परिवार का प्रेम कभी कम होता नहीं है और हमेशा रहेगा मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं पर आपकी भाषण सुनने के लिए हम सबकी इच्छा है जैसा तुम्हें हुकुमशाहीच्या विरुद्ध संविधान वाचवण्याकरिता ती लढा दिली देशाचे पंतप्रधानांनाही संविधानासमोर झुकावं लागलं हेच आपलं मोठं यश आहे महाराष्ट्र आदिवासी इलाके में अपनी गवर्नमेंट आती है तो 3-4 हजार करोड़ का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आइए तो ही हमारे लोग यहाँ मजदूरी करेंगे उनका रोजगार मिलेगा इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ गोवाल पाडवे आपके पास डिमांड लेकर आएगा और हमने 3-4 हजार करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट इस एरिया में देना चाहिए ऐसी मेरी मांग है ताकि उससे हमारा रोजगार मिले और हमारा जीना यहाँ आसान हो जाएगा इसलिए उनको कोई आइडिया नहीं उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है देखिए इस पर क्या रंग है नीला है लाल है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं उसे हम जान देते हैं कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आदिवासी भाई और बहन इस बात को सबसे अच्छा समझेंगे आज हमने यहां बिरसा मुंडा जी भैया थोड़ा सामने से हटिए ये आज हमने इसमें कुछ नहीं है
नरेंद्र मोदी जी, ये संविधान ढोकला नहीं है। इस संविधान में हजारों साल की सोच, बिरसा मुंडा जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, फूले जी की सोच, अंबेडकर जी की सोच, गांधी जी की सोच सब भरी हुई है। ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी, ये खोखला नहीं है। इसके अंदर हिंदुस्तान का ज्ञान, हिंदुस्तान की आत्मा है। तो जब आप इसे खोखला कहते हो तो आप हिंदुस्तान, बिरसा मुंडा जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब का अपमान करते हो। लड़ाई भाई और बहन इसको बचाने की है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नाम दिया गया है। आपको संविधान में आदिवासी नाम दिया गया है। इस संविधान में आप कहीं भी पढ़ लो, इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है, आपको आदिवासी कहा जाता है। मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। इन दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी ने जो त्याग किया, जो शहीद हुए, उनके शब्द है। इसीलिए संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। आदिवासी नाम का मतलब समझिए, आदिवासी नाम का मतलब हिंदुस्तान के पहले निवासी, हिंदुस्तान के पहले मालिक। मतलब ये जो जल है, ये जो जंगल है, ये जो जमीन है, उसका पहला अधिकार आदिवासियों का है। ये बात इसके लिए बिरसा मुंडा जी लड़े थे कि जमीन हमारी, जल हमारा, जंगल हमारा, और जल, जमीन और जंगल का फायदा हमें नहीं मिलता। इसीलिए शहीद हुए, वो अंग्रेजों से लड़े। आज वही सोच लेकर नरेंद्र मोदी आरएसएस और बीजेपी घूम रहे। वो कहते हैं आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपको ना जल पर, ना जंगल पर, ना जमीन पर अधिकार होना चाहिए। वो आपसे अधिकार छीनते हैं। आपको कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर पूरे देश में जंगल काटने का काम करते हैं, आपकी जमीन छीनने का काम करते हैं। ऐसा कानून कौन लाए? जमीन अधिग्रहण बिल कौन लाए? न्यायमीर में कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी लड़ी, इंडिया गठबंधन के लोग लड़े। जमीन अधिग्रहण बिल से आपकी जमीन की रक्षा, पैसा कानून से, ट्राइबल राइट्स एक्ट से जंगल, जल, जमीन का अधिकार आपको। ये काम हमने किए। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, काम शुरू कर देते हैं। आपकी जमीन छीनते हैं, अरबपतियों को पकड़ा देते हैं, आपका जल ले जाते हैं, आपका जंगल ले जाते हैं, और आपको कहते हैं भैया आप वनवासी हो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप वनवासी हो, आस्ते 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 सब जंगल जा रहा है, दस
अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान में बहुत कम जंगल बचेगा, तो फिर आप कहां पे रहोगे? अगर जंगल ही नहीं रहा तो अफगानवासी कहां जाएं? आप दूसरे प्रदेश में जाओगे, मजदूरी करोगे। वनवासी का मतलब आपके बच्चों को शिक्षा ना मिले, वनवासी का मतलब आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ना बने, अपना बिजनेस ना चालू करें, वनवासी का मतलब आपके बच्चे पायलट ना बने, आदिवासी का मतलब आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, आपके बच्चे बिजनेस चलाएं, सरकार चलाएं, ये है फर्क आदिवासी वनवासी। अब दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, और इस बात को आप दिल में रखिए, हिंदुस्तान में आदिवासियों की 8% आबादी, अगर आप 100 लोग चुनो तो 800 में से आदिवासी, तो मैंने पता लगाया आबादी 8%, तो मैंने पता लगाया ठीक है भैया, अगर 8% आबादी है तो भागीदारी कितनी होनी चाहिए, अगर 8% आबादी तो कितनी भागीदारी 8% होनी चाहिए, सही है बात, सही ना, बराबर है ना, अगर 100 में से 8 आप हो तो फिर भागीदारी नहीं होनी चाहिए 8 की, तो मैंने पता लगाया, मैंने कहा देखो भाई पता लगाते हिंदुस्तान की सरकार में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, 90% हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, 90% हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो आप जीएसटी का पैसा देते हो, रोज देते हो, वो पैसा दिल्ली की सरकार को जाता है, उसको 90% मानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो उसमें से आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं बताइए, शांत हो गए आप, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये सच्चाई आपको मालूम होनी चाहिए भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं, मतलब आपकी भागीदारी 100 में से 8%, आपकी आबादी 100 में से 8, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे, 90 में से सिर्फ एक अफसर आदिवासी है और उस अफसर को पीछे कोने में बैठा रखा है, उसको काम नहीं देते, बड़ी मिनिस्ट्री उसके हाथ में नहीं है, उसको कहते हैं आप आदिवासी हो आप पीछे बैठो, आप वनवासी हो आप पीछे बैठो, ये बदलना है, बदलने का तरीका चांदी चल करना, इस सब को पता लगता है कि सचमुच में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मीडिया देखते हो ना, देखते हो मीडिया, ये बड़े बड़े टीवी वाले एंकर हैं, इसमें से मुझे एक आदिवासी का नाम बता, एक आदिवासी का नाम बता दो, एक दलित का नाम बता दो, एक पिछड़े वर्ग का नाम बता दो, नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, अदानी की कंपनी में, अंबानी की कंपनी में, मुझे एक आदिवासी नाम बता दो, निकलेगा। मजदूरों की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो, आदिवासियों पर भरे हुए हैं, ये इमारतें आप बनाते हो,
कारोबारों में जगह मिले, बिजनेस में जगह मिले। ये फर्क है आदिवासी में वनवासी। महाराष्ट्र की थोड़ी सी बात करता हूं, हमारी सरकार आएगी तो हम आपके लिए काम करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया अल्पतियों को खर्चा माफ कर दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए धारावी की जमीन नरेंद्र मोदी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार अदानी को पकड़ा रही। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन दे रही आदिवासियों को, क्या दिया दलितों को, क्या दिया पिछड़ों को, क्या दिया किसानों को, क्या दिया मजदूरों को, क्या दिया महिलाओं को, क्या दिया कुछ नहीं। इसे हमने मन मना लिया, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा, जितना पैसा माफ उनका करेगा, माफ करेगा। तो सबसे पहला काम महालक्ष्मी योजना, अच्छी तरह सुनिए, ये आदिवासी बहने जो आई है आपके बैंक अकाउंट में हर महीने पहली तारीख को कटाकट 3,000 रुपए अंदर। आप जगेंगी बैंक अकाउंट में देखेंगी और महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने सुबह ही आपके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए डाल दिए होंगे। उसके बाद आप कहें भी करो मार्केट जाती है, चलो मार्केट चले। आप जब बस में मार्केट जाएंगी आपको पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए बस का टिकट फ्री में कर दिया। आप बैठेंगी कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा, आप बिना पैसे दिए बैंक जाएंगी, 3,000 रुपए बैंक अकाउंट से निकालेंगी और वापस आ जाएंगे। और जब भी आपको बस की जरूरत पड़ेगी, महाराष्ट्र में आपको कहीं भी जाना हो, महाराष्ट्र की महिलाओं से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। अब किसान कहेंगे राहुल जी आपने महिलाओं को 3,000 रुपए दे दिए, इंडिया गठबंधन की सरकार ने महिलाओं को 3,000 रुपए दे दिए हर महीने, जनवरी फरवरी मार्च महिलाओं के बैंक अकाउंट में आ जाता है, फ्री में बस में घूमती है, हमारा क्या होगा। सब किसान कहेंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं 3 लाख रुपए तक का कर्जा आपका माफ होगा। और जब आप धान सोयाबीन कपास बेचोगे तो आपको सही दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार ने। जाति जनगणना की मैंने बात कर दी, हम महाराष्ट्र में जाति जनगणना कराएंगे और पता लगाएंगे कि आदिवासियों की कितनी भागीदारी है संस्थाओं में, सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में। आदिवासी दलित पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं पार्लियामेंट में, मैंने कह दिया है लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने। कांग्रेस पार्टी की सरकार जाति जनगणना करेगी, अभी जो 50% का आपने रिजर्वेशन की दीवार लगा रखी है उसको तोड़ के उड़ा के फेंक दे। रिजर्वेशन को हम 50% से आगे ले जाएंगे। लोकसभा में मैंने बोला है ये वायदा मैं आपसे कर रहा हूं, जाति जनगणना और 50% की दीवार कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में तोड़ेगी, महाराष्ट्र की सरकार यहां पे जाति जनगणना हम करके दिखाएंगे। सबसे ज्यादा कष्ट गरीबों को इलाज से होता है, गरीब किसान को दिल का ऑपरेशन करना हो, पेट का ऑपरेशन करना हो, किसी को कैंसर हो जाता है, कैंसर का इलाज करना होता है,
तो गरीब किसान कर्ज में डूब जाता है, आत्महत्या कर लेता है। इसलिए आपकी नई सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में सबको 25 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। दिल का दौरा पड़े, कैंसर हो, किडनी की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, आप अस्पताल जाओगे 25 लाख रुपए तक का इलाज आप मुफ्त में करवाओ। और युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए प्रति महीना जब तक वो रोजगार पा लेंगे, और 2.5 लाख सरकारी रोजगार जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार नहीं दे रही, वो हम आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, गरीब जनरल कास्ट के लोगों के हवाले कर। महाराष्ट्र की सरकार, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो महाराष्ट्र को रोजगार देने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनको दूसरे प्रदेशों में भेजती है और आपके लोग मजदूरी दूसरे प्रदेशों में जाके करते हैं। उदाहरण देता हूं, वेदांता और फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट, जिससे महाराष्ट्र के युवाओं को 10,000 रोजगार मिलते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्लांट है, ये उन्होंने महाराष्ट्र से छीन कर गुजरात में किया। टाटा एयरबस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 10,000 रोजगार, 1.8 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये महाराष्ट्र की सरकार ने गुजरात में किया। आईफोन बनाने का प्लांट, 2 लाख करोड़ रुपए का प्लांट, 75,000 युवाओं को रोजगार मिलता, ये उन्होंने महाराष्ट्र से छीन कर गुजरात भिजवा दिया। ड्रग पार्क, 80,000 लोगों को रोजगार मिलता, छीन के गुजरात पहुंचा दिया। गेल वेल पेट्रोकेमिकल प्लांट प्रोजेक्ट, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 21,000 युवाओं को रोजगार मिलता, ये उन्होंने आपसे छीन के दूसरे प्रदेश में भिजवा दिया। अगर हम सब रोजगार मिला दें तो महाराष्ट्र से बीजेपी की सरकार ने 5 लाख रोजगार छीन कर दूसरे प्रदेशों में भिजवा दिए। इसीलिए आपको यहां रोजगार नहीं मिलता है, इसीलिए यहां आपको बेरोजगार बना दिया गया। ये काम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में रहेंगे, गुजरात के प्रोजेक्ट गुजरात में रहेंगे। हम ये नहीं चाहते कि आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट यहां से छीन कर दूसरे प्रदेशों में भेजे जाए और आदिवासी युवा जाकर बंधुओं में मजदूर बने गुजरात में, दूसरे प्रदेश। हम चाहते हैं कि आपको महाराष्ट्र में रोजगार मिले, सही रोजगार मिले, इस तरह का रोजगार मिले। इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए हम यहां की सरकार बनाना चाह रहे हैं। याद रखिए मेन लड़ाई, सच्ची लड़ाई संविधान की। आपको जो भी मिला, जमीन, जल, जंगल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो भी मिलता है खड़ी जा रहा है। और इस किताब के अंदर पवित्र सोच, बिरसा मुंडा जी की सोच, महात्मा गांधी की सोच, अंबेडकर जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, और जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये संविधान खोखला है, इसके अंदर कुछ नहीं है,
तो वो बिरसा मुंडा जी का अपमान करते हैं, वो भगवान का अपमान करते हैं, महात्मा गांधी अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं, फूले जी का अपमान करते हैं। भाई और बहनों, आरएसएस इसके खिलाफ, बीजेपी इसके खिलाफ, इसलिए वो आपको वनवासी कहते हैं, इसलिए वो आपकी जमीन छीनते हैं, इसलिए जल जंगल जमीन का फायदा आपको नहीं देते। हम इसकी रक्षा करते हैं और रक्षा करते जाएंगे, आपको आपका अधिकार हम आपको दिलवाएंगे, क्योंकि आप आदिवासी। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, दूर दूर से आप आए, कष्ट उठाया, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पक्षाचा एकूण चाले एकदा आखे आवे ना Hey!
Thank you.